धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की टीम 10 अप्रैल को आईपीएल के 14वें सीजन का अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। वहीं उसका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। टीम उससे पहले मुंबई में ट्रेनिंग कर रही है। पिछले सीजन में 7वें स्थान पर रहने वाली सीएसके ने टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले फाफ डू प्लेसी और सैम करन को खास अवार्ड दिया। चेन्नई सुपर किंग ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। वहीं सीएसके ने टीम के लिए पिछला सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए फाफ डू प्लेसी और ज्यादा विकेट लेने के लिए सैम करन को सम्मानित किया। वहीं डू प्लेसी ने 13 मैच में 40.81 की औसत से 449 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 140.75 का रहा था। उन्होंने 4 अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। वहीं फाफ डू प्लेसी ने 42 चौके और 14 छक्के भी लगाए थे। वो टीम के लिए 400 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज थे। उनके बाद अम्बाथी रायडू ने 12 मैचों में 359 रन ठोके थे। वहीं शेन वाटसन ने 11 मैचों में 299। वहीं रविंद्र जडेजा ने 14 मैचों में 232। ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 मैचों में 204 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 14 मैचों में 200 रन बनाए थे। वहीं सैम करन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 14 मैचों में 13 विकेट झटके थे। इस दौरान 344 रन भी दिए थे। इनका इकोनॉमिक रेट 8.19 का था। 19 रन पर 3 विकेट उनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। वहीं सीएसके का कोई भी गेंदबाज विकेट लेने के मामले में टॉप 10 में नहीं रहा था। करन 15वें पायदान पर थे। उनके बाद दीपक चहर ने 14 मैचों में 12 विकेट चटकाए थे। वो 18वें स्थान पर थे। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 9 मैचों में 10 विकेट लेकर 25वें स्थान पर बने हुए थे। वहीं आपको बता दें कि फाफ डू प्लेसी को कप्तान धोनी और पिछले सीजन में नहीं खेलने वाले उपकप्तान सुरेश रैना ने अवार्ड दिया। वहीं सैम करन को धोनी के साथ ऑलराउंडर जडेजा ने ट्रॉफी दी। वहीं सीएसके की टीम इस पर चौथी बार चैंपियन बनने के लिए उतरेगी। ये पहली बार होगा जब धोनी आईपीएल 2020 के बाद से किसी टूर्नामेंट में दिखाई देंगे। पिछले सीजन में टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी रैना और हरभजन सिंह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाए थे। वहीं टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही थी। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।